क्या नाम है भैया? शुगर बादाम। शुगर बादाम है? नहीं नहीं नहीं, ट्राई करोगी तो खुद ही रोगी कड़वा रहेगा। अच्छा, मुँह कड़वा हो जाता है। ये मुलेटी 50 का 100 ग्राम, ये लहसुन है। इसका प्राइस कौन सा? अलग अलग तरीके की किशमिश है, अलग अलग वैरायटी की है। ये वाली कौन सी हींग है भैया? ये दूधिया कहते हैं इसे। हाँ, महक तो बहुत अच्छी है इसकी। ओहो, हाथ हाथ देख रहे हो, पकड़ते साथ ही हाथ कैसा हो गया। गरम मसाला है, मतलब मिक्स करके ग्राइंड कर लो। वही हल्दी 200 रुपए की, इलायची का पैकेट 25 ग्राम, 50 ग्राम कुछ सब है मेरे पास। कोई खड़े क्यों नहीं, बैठे क्यों? फ्रेंड्स वेलकम बैक, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम आ गए हैं, आज विजिट करने आए हम लोग, आए चांदनी चौक पर, जा रहे हैं हम लोग खारी बावड़ी, खारी बावली होता है। और यहाँ पे भी हम आए हैं, खारी बावली जाने से पहले हमने सोचा कि ज्ञानी फलूदा खा लिया जाए, क्योंकि हम लास्ट टाइम चांदनी चौक आए थे तो हम यहाँ तक नहीं आ पा रहे थे। फतेहपुरी चौक तो चले गए थे पर ज्ञानी फलूदा तक नहीं आए थे। तो अभी हम, मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो वो है ज्ञानी फलूदा वाला। तो चलो चलते हैं, पहले एक फलूदा खाएंगे, फिर और मैं दीदी और मैं खारी बावली की मार्केट जाएंगे, जो है अपने मसाले, ड्राई फ्रूट और सब, मतलब काफ़ी सारे राशन वगैरह वहाँ पर मिलता है, सामान मिलता है वहाँ पर काफ़ी सारा, ड्राई फ्रूट वगैरह, तो वो चेक करेंगे। फिर ले लिए ये आपको 2 ग्लास फलूदा, एक दीदी का और एक मेरा, और ये रहे यहाँ पे फलूदे के ग्लास लगे हुए हैं। लास्ट टाइम भी बड़ा मन कर रहा था मेरा पर हम आ नहीं पाए थे, तो अब हमने ले लिया अपने लिए दोनों के लिए फलूदे। पर दीदी आज थोड़ा गुस्से में, मुंह देख पा रहे हो आप क्योंकि इनको रिक्शा में बहुत परेशानी हुई है आने में। हाँ तो दीदी आज गुस्से में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले फलूदा खा लेते फिर जाएंगे मार्केट। तो गाइस चलो, हमने खा लिया फलूदा और अब मैं जा रही हूँ खारी बावली की तरफ। और ये जाम देख रहे हो यहाँ पे, आपको हम उमन ऐसे ही जाम मिलेंगे। और अभी हम भी खुद जाम में से होते हुए आ रहे हैं दोनों। और ये आ गए अपने सारे मसाले, मसाले शुरू हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट शुरू हो जाएंगे आपके। जैसे मिठाइयाँ बिकती हैं ना हर जगह, यहाँ पे इस तरीके से देखो आपको ड्राई, यहाँ पे सारा ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है। ये सारा, ये ममारा, ये क्या चीज़ है? ये भी बादाम है, अंजीर है, अंजीर अलग अलग। हाँ अलग अलग उसके हिसाब से, जैसे दीदी मिठाइयाँ नहीं होती ऐसे ही ड्राई फ्रूट के लिए। पिस्ता जो है 1250 का। तो ये सारी ड्राई फ्रूट की आपकी मार्केट है, खारी बावड़ी मार्केट। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो गाइस राशन की, राशन वगैरह भी लेने आते थे हम लोग जो छोटे थे ना, मम्मी के साथ खारी बावली ही आते थे। और ये देखो आपको प्राइस समेत यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं, टैग सब कुछ लगा रखा है, आपको अलग अलग रेंज में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और इतनी वैरायटी है ना, जितने हमें नाम भी नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम।
नहीं अच्छा 960 रुपये, वहाँ पे 1100 रुपये प्राइस था। क्या चीज है ये? शुगर के बादाम। क्या नाम है भैया? शुगर बादाम। शुगर बादाम है? नहीं 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 ट्राई करोगे तो खुद ही रोगी कड़वा रहेगा। अच्छा मुँह कड़वा हो जाता है? कड़वा रहेगा। अच्छा नहीं 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 शुगर बादाम में इसे मुंह कड़वा हो जाएगा। तो फिर किस चीज के लिए होते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अच्छा डायबिटिक पेशेंट के लिए होते हैं ये। तो ये शुगर बादाम है गाइस। अकॉर्ड 550 रुपए ये मुलेटी क्या भाव है? ये आपका 30 रुपए का 100 ग्राम। 30 रुपए की 100 ग्राम मुलेटी। लसन है दीदी 150 का 100 ग्राम। ये लसन है। इसका प्राइस कौन सा? अलग अलग तरीके की किशमिश है। अच्छा टेस्ट और साइज के हिसाब से 320 का ये वाला 400 का वाला अलग अलग वैरायटी के हिसाब से ना। ये 440 का वाकई में मेरे को लास्ट तक की कड़वाहट आ रही है। यही तो होता है। यही अच्छा है। That depends on the sizes. ये अंजीर? हाँ जी। क्या प्राइस है? ये आपका 1500 रुपए है। 1500 रुपए? 1300 रुपए है। 1300 रुपए है। इसमें क्या डिफरेंस है? कलर का फर्क है, साइज का डिफरेंस है। अच्छा और ये मिक्स है? हाँ जी इंग्लिश ब्रेकफास्ट। यार ये पहले जीटीजी गोल्ड का कच्चा भेजा था, आज कौन सा जीरा भेजा तुमने? पहले जो जीरा मेरे पास आया था जीटीजी गोल्ड का कच्चा आया था। तो काफी सारे मसाले है ना? हर्ब्स हैं सारे। का कच्चा आया था पहले भागा गुड़ल फूल। ओ गुड़ल फूल भी है। ये गुड़ल, ये पाउडर है गुड़ल का? ये गुड़ल का पाउडर है। काली मिर्च ठीक है। थैंक यू भैया। अलग अलग वैरायटी की है। ये वाली कौन सी हींग है भैया? ये दूधिया कहते हैं इसे। हाँ महक तो बहुत अच्छी है इसकी। ओहो हाथ हाथ देख रहे हो, पकड़ते साथ ही हाथ कैसा हो गया। अगर साबित में चाहिए तो ये 180 फॉर ये आपका 50 ग्राम सुपर हिंग। कितने की डब्बी पड़ेगी ये वाली? ये 600 की 100 ग्राम। 600 रुपए की 100 ग्राम। हाँ हर जगह कभी कहीं जो ज्यादा लिखा हुआ है प्राइस कहीं नहीं नहीं क्वालिटी का फर्क होगा दीदी बस। अगर प्राइस कम बढ़ती होगा तो वो क्वालिटी की क्वालिटी में फर्क होगा। अदरवाइज कितने तरीके से अंजीर लटका रखा है। अंजीर हमेशा ऐसे ही दिखता है। तो हर शॉप पे आपको रेट कम बढ़ती मिल जाएंगे। हर जगह अलग अलग प्राइस है। आपको मैं आपको प्राइस चेक करा रही हूँ, आप देख लीजिए सबके अलग अलग प्राइस है। और आप भीड़ देख लो कितना क्राउड हो रहा है। तो मैं इतने क्राउड में से निकल रही हूँ क्योंकि दोनों साइड पे क्या प्राइस है? 400 1200। वो बड़ा वाला खजूर है 1200 रुपए। ये 400 की रेंज। ये वाला कैसा खजूर है भैया? 400 रुपए। ये डिग तो मोना दीदी फोन आ जाओ अलग ही नजर आ रही है ठुमको सी छोटी सी दीदी कह रही मेरी वीडियो बना दे इनके संग तो गाइस आपको दिखा रही हूँ मैं सारे अलग अलग प्राइस। थैंक यू मोना दी हर किसी को देख रहे थे दीदी बताना चाहते कि यहाँ पे आई है तो है दीदी तुम इंडिया में हो और वो भी मसालों की और ड्राई फ्रूट की मार्केट के अंदर। मतलब ड्राई फ्रूट मार्केट है सारी। ये देखो मसाले भी है यहाँ पे और यहाँ पे तो काफी सारा राशन वगैरह भी मिलता है। थोड़ा आगे जाके हैं अंदर अंदर बहुत सारी वो शॉप है। पापड़ वापड़ बताओ कितनी चीज दिखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कट्टे भर भर के जाते हैं। यहाँ पे होलसेलर मार्केट भी तो है ये सारी है और वैसे भी लेने आते हम लोग तो यहीं रहते थे चांदनी चौक। तो जब हम यहीं पे यहीं से राशन जाता था यहीं से खड़े मसाले वगैरह सब यहीं से ले जाते हैं।
तो गाइज काफी पुरानी बात हो गई है, बहुत कुछ चीजें हैं, छोटी छोटेपन की बातें हैं जो मैं काफी चीजें भूल चुकी हूँ, तो थोड़ा वो जो याद है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम जब छोटे थे तो यहीं से राशन लेने आती थी मम्मी हमारी साथ में। तो मैं आपको ये खारी बाबरी दिखा रही हूँ कि किस तरह की ये बाजार लग रहा है, किस तरह की मार्केट है। ये पापड़ का पैकेट है, 150 रुपए का पैकेट है, आधा किलो। ओ खट्टा वाला ये भी तो है। और ये वाला पैकेट कितने का भैया? 250 रुपए का। ये 250 का है। ये पापड़ अलग अलग रेंज के हैं। अब भैया से हमने इतने प्राइस पूछे, भैया बताएंगे नहीं यार। दीदी हल्दी 200 रुपए किलो है, किसी भी 240 है। साबुत हल्दी 200 रुपए की, और जीरा 500 है, 600 है, 600 वाला जीरा। इलायची का पैकेट 280 रुपए का 100 ग्राम है। ये 100 ग्राम का पैकेट है? हाँ 100 ग्राम का है। ये 50 ग्राम भी है। अच्छी इलायची निकलेगी इसमें से? हाँ अच्छी है, पूरा भरा हुआ है। ये 140 रुपए का 50 ग्राम, 140 का ये 280 रुपए का, 25 ग्राम, 50 ग्राम। मुझे बता रहा था 240 का है। तो यहाँ पे ना हर दुकान पे अलग अलग रेंज मिल जाएगी, कोई ज़्यादा बताएगा तो कोई कम है। हाँ मतलब क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा, बात अलग है। खड़े मसाले सारे सब है मेरे पास। तो ये खड़े क्यों नहीं, बैठे क्यों? ले लेती हूँ थोड़े से मसाले। तो गाइज लाइन से सारी मार्केटें आपके दोनों साइड मार्केट है, इधर भी है और आपके उस साइड पे भी सारी मार्केट ही मार्केट है। और ये देख रहे हो कितने सारे ठेले वाले रिक्शे वाले सारा माल लोड होके जा रहा है दुकानों पे, मसाले खड़े मसाले ड्राई फ्रूट सब कुछ। पर हर दुकान पे ना भी हमने सब अलग अलग प्राइस देख रहे हैं, क्वालिटी के हिसाब से भी हो सकता है, मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ। हाँ मैडम गर्मियों का शरबत भी ले जा सकते हो, इतनी दूर आई हो तो आप ले ही लो यहाँ से। हाँ थोड़े पैसे ढीले करो मैडम, बस हमारे बाप की रोड नहीं है। सर पे मेरे 3-4 बारी लग चुका है, ये झल्ली वाले भैया लेके जा रहे ना, सर पे लग चुका है। कार खा रहा है, उसकी माँ भी बैठी चल मारेगी। ये तो ये आ गई राशन की दुकान, मतलब की राशन वगैरह चावल वगैरह। हाँ क्या भाव है? तो गए जो बंदर वगैरह वो थे, तो उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी बैठा हुआ था। और अगर मैं ज्यादा बनाती हूँ ना उसको फोकस, मैं सोचती थी थोड़ा आगे से बनाऊ बंदर, हाँ फोन ले जाता हूँ। यहाँ पे बंदर इतने होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं आपको मार्केट पूरी दिखाई रही हूँ, यहाँ पे यही इसी तरीके की सारी चीजें मिलेगी। अंदर गलियों गलियों जाएगा तो आपको राशन वगैरह भी मिल जाएगा, चावल दालें वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी होलसेल रेट पे। होलसेल में दुकानदार भी यही से ले आते हैं। नहीं तो नॉर्मल को अपने लिए भी लेना है राशन, जैसे नॉर्मल राशन हम, पर इतनी दूर वाले तो नहीं आएंगे ना राशन लेने के लिए। जिसको दुकानदार होगा नहीं, जिसको ज्यादा क्वांटिटी में सामान लेना है हाँ। तो वो उनके लिए फायदा है। पर एक बार बता दूं आपको कि सारी शॉप पे अलग अलग प्राइस है, ज्यादा है किसी पे कम है, तो ये थोड़ा आपको पता करना पड़ेगा प्राइस का भी अलग अलग रेट के हिसाब से। तो गाइस इस मार्केट से बाहर निकलते हैं और अब शाम हो गई है, तो चलते हैं मेट्रो की तरफ। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे कचौरी वाला, देसी की कचौरी मिल रही है भाई, महक आ रही इतनी खुशबू। और ये आपकी पड़ेगी 20 रुपए की 2 पीस। तो मैंने कहा चलो यहाँ की बना लो, ये मार्केट में सारी अंदर अंदर जा रही है। खाने पीने की तो है ना, फलूदा खाया नहीं हमने, क्या कचौरी खानी है? बताया नहीं खाने का, बहुत ही हाँ तो खाने सबको पता है, जो पुरानी दिल्ली में आते हो जो नहीं भी आते ना उनको सबको पता है कि यहाँ पे खाने पीने की तो हमारा तो फर्ज है बताने का। अच्छा फर्ज है, कौन सा वाला? खाने के बाद फर्ज है बताने का, बताने का। तो ये रिक्शा बैठ गए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नई दिल्ली के लिए, हम पुरानी दिल्ली जा रहे हैं। नहीं नहीं है ना, नई दिल्ली जा रहे हैं। तो पास दोनों ही लग रहा है, दूर दूर, मतलब कि पुरानी दिल्ली का भी दूर हो रहा था क्योंकि हम बहुत आगे तक आ गए थे चल के खारी बाबरी में। तो जाम देख लो बे मतलब कौन।